अब कुछ मजेदार चीज पढ़ेंगे दोस्तों, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली रटने वाला है। मैंने कहा था ना कुछ इस चैप्टर में कुछ समझने वाला रहेगा, कुछ रटने वाला रहेगा, ये पार्ट रटने वाला है। एक फंगस है जिसे बोलते हैं एस्परजिलस नाइगर, यहाँ से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये एस्परजिलस नाइगर प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड विच इज अ फंजाई, या फंगस बोल सकते हो आप। फिर एक बैक्टीरिया जिसे नाम एस्टोबैक्टर एसिटी, जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये काफ़ी आसान है क्योंकि बैक्टीरिया के नाम ही में एसिटोबैक्टर एसिटी है, तो और प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिटिक एसिड। तीसरा है बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, इसके भी नाम में स्पीसीज के नाम में मेंशन है प्रोडक्ट का नाम, तो ब्यूट्रिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है। और ये लैक्टोबैसिलस आप जान ही रहे हो, ये भी एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है, और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में कन्वर्ट करता है। याद है कुछ कॉड में आगे आते लाइपेस में, लाइपेस का यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, और ये ऑयल स्टेन्स को भी रिमूव करता है। अब आते हैं हम लोग पेक्टिनेस और प्रोटीएज, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनका यूज़ कहाँ होता है। तो जब हम लोग क्लेरिफाई बॉटल जूसेस करते हैं तो उनमें यूज़ होता है। जो आप ड्रिंक खरीद के लाते हो मार्केट में, वो काफ़ी क्लैरिटी उसमें नज़र आती है, तो ड्यू टू दी यूज़ ऑफ एंजाइम दैट इज पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज। अब हम लोग के बॉडी में तरह तरह के एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस, ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एज अ क्लॉट बस्टर एजेंट काम करता है और हमारे ब्लड वेसल्स से क्लॉट को रिमूव करता है, काफ़ी बेनिफिशियल है ये। फिर आते हम लोग फंगस पे, एक फंगस है साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, नाम ही से आप पहचान जाओगे ये भी, और इसका भी नाम से। ये एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट काम करता है, जब भी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होता है तो ये वाला जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। आखिरी ये है ईस्ट, एक ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरस जो प्रोड्यूस करता है स्टैटिन, ये रट लो आप। ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरस जो स्टैटिन प्रोड्यूस करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, ये कॉम्पिटिटिव ने शो करता है। अब आते हैं माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स, जो माइक्रोब्स होते हैं वो एज ए बायोफर्टिलाइजर भी यूज़ आप कर सकते हो, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके मेन सोर्स क्या है ये जान लें पहले, बैक्टीरिया है, फंजाई है और साइन बैक्टीरिया जिसे हम लोग बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स और राइजोम, ये दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं और नोड्यूल फॉर्म करते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया अगर पूछे कौन कौन सा है, तो एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर ये याद होना चाहिए, ये दोनों पर आप फोकस जरूर करिएगा। और एक फंजाई और हाई प्लांट्स में कौन सा एसोसिएशन होता है, तो माइकोराइजा, तो ये भी एसोसिएशन सिम्बियोटिक होता है, एक ये होता है सिम्बियोटिक और एक ये होता है सिम्बियोटिक। फंजाई जो होता है वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है, जबकि हाई प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फिर कुछ बीजीए होते हैं ब्लूगिन एल्गी जैसे नेबेना नॉस्टेक ऑस्टिटोरिया, जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इन्हें हम लोग पैडी फील्ड में यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो लेडी बर्ड होते हैं वो एफिड्स को कंट्रोल करती हैं, जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो मॉस्किटोज को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके घर में मच्छर ज़्यादा हो गया तो आप ड्रैगन फ्लाइज लाइए, आपके घर में मच्छर कम हो जाएंगे। अब बैसिलस थ्रोजेनेसिस काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, ये कैटरपिलर्स को दोगे तो कैटरपिलर्स की डेथ हो जाएगी, ब्रिट ये कैसे एक्ट करता है ये भी जानने वाली बात है। जब भी आप मान लीजिए ये कॉटन का पौधा है, कॉटन पौधे में जब आप इसका छिड़काव करोगे तो जब भी कोई कैटरपिलर से खाएगा तो उसके गट में जाके, गट में कैटरपिलर का मीडियम जो होता है अल्कलाइन होता है, ये तभी एक्टिवेट होता है जब उसको अल्कलाइन मीडियम मिले, और कैटरपिलर गट में उसको अल्कलाइन मीडियम मिलता है एक्टिवेट होता है, और उनको जो सेल्स होता है रप्चर कर देता है, और वहीं इन कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है। ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंट है, ये फ्री लिविंग ये भी होता है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये ट्राइकोडर्मा भी फ्री लिविंग होता है, इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बैक्लोवायरस के जीनस में आता है, तो ये निक्लो पॉली हेड्रो वायरस में आता है, ये अटैक करता है इंसेक्ट को और अदर ऑर्थोपोड्स को ताकि बचा सके रूट्स को।